गोल्डन टेंपल के बाहर बने जितने भी सराह हैं, यानी कि छोटे छोटे अकोमोडेशन सेंटर्स, जिन्हें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, गुरुद्वारा प्रशासन हो, वो चलाता है। आज केंद्र में बैठी सरकार ने उन सराह पर भी, उन छोटे अकोमोडेशन सेंटर्स पर भी 12% GST लगाकर संगत का और संगत की सेवा का अपमान किया है। ये टैक्स हमें मुगल काल के शासक औरंगजेब के जजिया टैक्स की याद दिलाता है, जब औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाकर, जजिया लगाकर टैक्स वसूलना शुरू किया था। आज उसी प्रकार ये छोटे सराह जो गुरु साहब के दरबार के बाहर बने हैं, जहां पर संगत आकर रुकती है, आज उस पर भी GST लगाकर इस सरकार ने एक गलत काम किया। आज मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को हाथ जोड़कर बेनती करी, पूरी संगत की ओर से, 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से, कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। हमारी श्रद्धा पे, हमारी भक्ति पे, हमारी भावनाओं पे, हमारे सेंटिमेंट्स पर, हमारी बिलीफ्स पर इस टाइप का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपको मैं बता दूँ कि टैक्स मुनाफे पे लगाया जाता है, या मुनाफे के लिए बनी जो संस्थाएं हैं उन पे लगाया जाता है। जैसे कोई 5 सितारा होटल में जाकर रहे तो उस पे GST लगता है, जो भी मुनाफे के लिए बनी कंपनियां हैं उन पर GST लगता है, यानी कि टैक्स लगता। लेकिन जो संस्था मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए बनी है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगता। हिंदुस्तान में आज तक नहीं लगा, लेकिन इस सरकार ने सेवा के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट, सेवा के लिए बनी संस्थाओं पर भी टैक्स लगाने का काम किया। मैंने सरकार को टैक्स लगाने के इस बेसिक रूल के बारे में भी बताया कि टैक्स मुनाफे पे लगाया जाता है, सेवा के लिए बने केंद्रों पर और सराहों पर नहीं लगाया जाता।